मेरी तो तबीयत आज बहुत खराब, तो आज के अपडेट में मेरी टिप्पणियां नहीं रहेंगी, सिर्फ ज्योति आपको अपडेट देगी। एंड फॉर ऑल आई नो आपको बिना टिप्पणियों के अपडेट बेहतर लगेगा। कमेंट्स में बताइएगा जरूर। तो मुझे पहले उस बैल का बता दो ना जिसकी बेचारी की आंख निकली हुई है। पता नहीं इसको किसी ने मारा है या इसके साथ क्या हुआ है, लेकिन ये 4 दिन से इसी हालत में वहां पर घूम रहा था। पहले तो हमने सोचा था कि हम इसको ट्रीट ऑन स्ट्रीट करेंगे, क्योंकि जब हमारी बात हुई थी इन्फॉर्मर से तो उन्होंने बोला था कि तो बछड़ा है। हाँ जी बछड़ा है सर। तो हमारी जब बात हुई थी उन्होंने बोला था कि आप एक बार बस आके ट्रीटमेंट शुरू करवा दो, हम वहाँ पे रखने की व्यवस्था खुद कर लेंगे। लेकिन जब हम इसको गए वहाँ पर फर्स्ट कैच करने के लिए ताकि हम इसको बंधवा दें वहाँ पे, तब फिर सिचुएशन देखी और उसके बाद थोड़ा यहाँ पे इंतजाम करवाया। हमने वकील को रिलीज किया है, लगभग उसका वुंड हील हो चुका था। वकील का वहाँ पे कोई देखने वाला है? कांगड़ा से बहुत केस आते हैं, जिस जगह से वकील हमारे पास आया था वहाँ पे है केयर टेकर्स। हमारा जो एक और आई केस है वो जो घोड़ा है उसका ट्यूमर का कुछ कंफर्म हुआ भी नहीं। बायोप्सी के लिए मंडे को यहाँ से हमें सैंपल भेजना है। ये घोड़ा यहाँ पे कैसे आया था और कुछ और केसेस वो हमने रेगुलर अपडेट्स में बताए हैं, तो उसके बारे में हम वीकली अपडेट में बात नहीं करेंगे। जब हम फर्स्ट डे इसको देखने गए थे उस दिन एक और रेस्क्यू आया जी, कांगड़ा से एक डॉग हमने रेस्क्यू किया था जिसके पीछे वाले पैर में एक्सीडेंट की वजह से काफी ज्यादा स्वेलिंग हो गई थी। हाँ जी सर, बहुत अग्रेसिव है, हैंडलिंग में बहुत प्रॉब्लम आई थी इसके जब हम इसे रेस्क्यू कर रहे थे। स्वेलिंग 2 दिन से इतनी ज़्यादा थी कि हम उसको सिर्फ पेन किलर्स प्रोवाइड कर रहे थे। आज जब सर ने डायग्नोस किया तो पता चला कि ऊपर फीमर के हेड में फ्रैक्चर है इसके भी, तो इसको भी एक बार एक्सरे के लिए पालमपुर भेजना होगा एंड उसके बाद हम आगे प्रोसीड करेंगे। हमारा फीमर वाला में कहते तीसरा चौथा केस है। हाँ जी, इसकी रिकवरी अच्छी लग रही है काफी। हाँ जी सर, इसका जो नोज से डिस्चार्ज था वो भी काफी हद तक कम हो गया है। 2 हफ्ते से हम लोग सिरप चला रहे थे नेजल डिस्चार्ज के लिए। ये अप फॉर अडॉप्शन है अभी नहीं? इसका पीछे वाला वुंड ठीक हो जाए होपफुली, तब तक हमारे पास अडॉप्टेबल में थोड़ी जगह बन जाए, उसके बाद हम ठीक है। और रॉबिन जा रहा है अडॉप्शन के लिए? सर्जरी करेंगे इसकी न्यूटर की, उसके बाद हम जो गोपालपुर में कैनल है उनसे आगे बात करेंगे। लेकिन अभी रॉबिन को भी टिक फीवर हो गया है तो अभी उसकी मेडिकेशन चल रही है। 15 डेज का एंटीबायोटिक का कोर्स चलेगा और उसके बाद हम कुछ देख पाएंगे। ये दो चीज़ें फार्म पे बहुत फैली हुई है, एक तो टिक फीवर, चटोरी को टिक फीवर है, जिस डॉग को सलोनी फॉस्टर कर रही है चुनमुन। हाँ जी सर, चुनमुन को भी टिक फीवर है और दूसरा फैला हुआ है वायरल, जिसमें मुझे वो रखा है शिवानी को, इशिता और मेरे ख्याल से अमन को, गुरु भी आज बीमार महसूस कर रहा है। रॉबिन का ट्रीटमेंट में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं आ रही? ऑब्वियसली आई, क्योंकि अभी तक उससे वैसी बॉन्ड नहीं बनी है कि वो हम पे उतना ट्रस्ट कर पाए कि भाई वो अपना फेस टच करने दे और कुछ, क्योंकि अभी इसको आईवी से ब्लड जब निकालना था तब भी बहुत प्रॉब्लम आई थी। तो हमने पोल एंड रोप ही यूज़ किया, साहिल हैंडल कर रहा था, हम उसको मज़ल नहीं कर पा रहे थे क्योंकि उसको बिल्कुल पसंद नहीं है कि उसके फेस के आसपास कोई भी चीज़ आए, हाथ आए किसी का, तो थोड़ा सा प्रॉब्लम। वो भी अंदर लेटा हुआ है? हाँ जी सर, अभी तो हमने उसको बंद किया। तनोटू से हमने एक केस और रेस्क्यू किया जिसको टिक फीवर है। ये डॉग हमारे पास पहले भी आई है, तब इसको लेमनेस था, पीछे वाले पैर में पेन था। इस बार जब वो आई है तो टिक फीवर है। अब वो बाहर बारिश इतनी हो रही है और वहाँ पे कैसे मैनेज करेगी, इस वजह से हमने उसको केज में रखा है, जो उसकी ट्रीटमेंट चल रही है। ये जो धनोटू वाली डॉग है वही है जो डिंपल दीदी का बेटा लाया है? हाँ जी सर, वो बहुत रेस्क्यू करता है। अप्पू की नाक सफेद हो गई थी, कुछ ऐसा हुआ था? एलर्जिक रिएक्शन हो सकता है मेडिकेशन का, क्योंकि हम लोग उसको बी कॉम्प्लेक्स का सप्लीमेंट प्रोवाइड कर रहे थे जिसके वजह से वो रिएक्शन हुआ होगा। अभी वो ठीक है, हमने बंद कर दिया पूरा सबसे पीछे। हाँ जी, वहाँ तो मैं नहीं जाता, बीच में कहीं ना कहीं लात वात पड़ जाएगी। ये प्रेगनेंट है क्या जिसको हमने स्प्लिंट कर रखा है? ये वही है ना जिसकी उस दिन हमने स्प्लिंट रिपीट करी है? ये प्रेगनेंट नहीं, इसका बच्चा था वहाँ पे, छोटा ही था, लेकिन हम दोनों को एक साथ ला नहीं सकते थे ना, उतना भी छोटा नहीं था, वो घास भी खा रहा था साथ में और केयरटेकर्स थे, वो लोग वहाँ पे और भी गायों का ट्रीटमेंट करते रहते हैं। इसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी तब उन्होंने हमें कॉन्टैक्ट किया था और बछड़े की जिम्मेदारी उन्होंने ली है। इसका नाम भूल रहा हूँ, मधुबाला। रिलीजेस में हमारा एक तो ऑलिव रिलीज। हाँ जी सर, उसको मार्केट वुंड था, उसकी न्यूट्रल सर्जरी करके हमने उसको अच्छे से वापस उसके एरिया में छोड़ दिया। एक हमारा बैल जिसका नाम भी नहीं रख पाया, मेरे एंड पे पेंडिंग था और इससे पहले मैं नाम रख पाता, वो ठीक हो गए, रिलीज हो गया। 2 वुंड थे, हमें लगा था कि समय लगेगा लेकिन इस बार इसकी रिकवरी बहुत ज्यादा फास्ट हुई। हमने कैलेंडुला ऑयल यूज किया था वुंड पे और उससे बहुत फास्ट रिकवरी हुई। ये कैलेंडुला ऑयल आप बाजार से लेंगे तो आपको बड़ा महंगा पड़ेगा, पर ये फूल आप घर में भी उगा सकते हैं। आपको जो पेटल्स है ड्राई करनी है, कोकोनट ऑयल में डाल के महीना रखिए, जब ऑयल में इन्फ्यूज हो जाएगा तो ये ऑयल आप किसी भी इंजरी को हील करने में इस्तेमाल कर सकते हैं। और 2 बिल्लियां आपने, या 1 बिल्ली आई है सर? अभी तो न्यू 1 बिल्ली आई है हमारे पास, छोटा सा बच्चा है और लोग क्या कहते हैं अगर उनके घर में बच्चे दे बिल्लियां तो इनको इधर उधर छोड़ देते हैं। बहुत प्यारी सी है, हेल्दी है, अभी वो मेरे पास ही है। बिल्लियों का तो कोई स्टरलाइजेशन प्रोग्राम भी नहीं है ना, मतलब हाँ। क्योंकि उनके लिए मैं कहता हूं केजेस लगाने पड़ते हैं जो ट्रैप कर सके। हाँ जी सर, अगर लोकल सपोर्ट करे तो ये पॉसिबल है, क्योंकि
कुछ लोगों के घर में आती जाती रहती है ना बिल्लियाँ, वो फ्रेंडली भी रहते हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि बिल्लियों का भी स्प्रे कराना जरूरी है। जिस दिन तुम्हारी छुट्टी थी दो केस आए थे, एक तो ब्राउन डॉग आई थी। हाँ जी, तो उसका क्या हुआ? एक्सीडेंट हुआ था और वो लोग उसको तुरंत यहाँ पर ले आए थे। उस वक्त में हम डायग्नोसिस ढंग से नहीं कर पाए थे क्योंकि बहुत सीवियर पेन था उसको, इसलिए वो लगभग दो दिन तो हाई डोज के पेन किलर्स पे था, खाना बिल्कुल नहीं खा रहा था। तो जब आज डायग्नोसिस हुई तो पता चला कि उसका पूरा एक साइड पैरालाइज था, उसके इंटरनल ऑर्गन्स डैमेज थे काफ़ी ज़्यादा, उसने खाना भी बंद कर दिया हुआ था, तो हमें फिर उसको पुट डाउन ही करना पड़ा। एक काफ आया था तो उसको तो देख के ही मुझे लग गया था वो बचेगा नहीं, मैंने उन्हें भी बता दिया था। तो हमें पहली बार कॉल आई थी तब हमने वीडियोस मंगाई थी क्योंकि उन्होंने बताया बहुत सीरियस है कंडीशन काऊ का, फ्रंट लेग पूरी तरीके से दोनों टूटे हुए थे, पीछे वाले हिस्से में भी काफी इंजरीज थी और वो जो कौए ने छेद कर रखा था। अच्छा, तो वो खड़ी तो हो नहीं पा रही थी, उसी टाइम सर ने बता दिया था और हमने भी उनको सजेशन दिया कुछ हो नहीं सकता इसका, तो वो उन्होंने कहीं बड़े अस्पताल में दिखाते भी तो ऐसा नहीं है कि कुछ होना तो नहीं था सर, लेकिन वही है ना कि लोगों को सेटिस्फेक्शन होनी चाहिए कि भाई ऐसा ना हो कि आपने तो फोन में ही देख के बोल दिया। तो हमने उनको यही सजेस्ट किया कि आप नजदीकी डॉक्टर के पास जरूर लेके जाओ और एक बार दिखवा लो अपने सेटिस्फेक्शन। उसका हुआ क्या? कि जब वो आई यहाँ पर उसका रास्ते में इतना ज़्यादा ब्लड लॉस हो गया था कि जब हमने ट्रीटमेंट शुरू की तो कुछ देर बाद ही शॉक की वजह से ट्रीटमेंट के बीच में उसकी डेथ हो गई। ये जब काफ आया तो मैं मौके पे मौजूद था, तो इसका हम एक वीडियो अलग से बना के डालेंगे। और एक चीज़ और कि रेगुलर अपडेट्स बनाने में हमारी टीम का वर्कलोड बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और यहाँ पे बगावत ना हो तो इसके लिए हम अपडेट्स वीकली ही डालेंगे।